लगभग 4 महीने के बाद मैं एक दोस्त का रूम खोला, तो मुझे जैसे मैं रूम को खोला पूरा अंधेरा नज़र आया। स्विच बोर्ड से ऑन ऑफ किए तो लाइट उठ तो है नहीं, पता नहीं क्या है, सर्किट वगैरह पूरा शायद ख़राब हो गया होगा, बीच बीच में देख रहे हैं। तो जैसे मैं किचन रूम की तरफ बढ़ा तो देखा कि चावल बिखरे पड़े हैं, ये देखिए इतना कीमती चावल सब बिखरे पड़े हैं, एकदम पूरा ख़राब हो गया है। इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा हूँ, सब सामान एकदम बिखरे पड़े हैं, देख के अच्छा लगता नहीं है। मकड़ी के जाल हैं, ये देखिए मकड़ी के जाल इधर उधर हर जगह हर कोने पे हैं। ये रूम ना बड़ा मस्त था पहले, जब जब यहाँ पे दोस्त लोग रहते थे तब ये रूम बहुत ही मस्त दिखता था और बड़ा मस्त इस रूम का ख्याल रखा करता था। तेल ऐसे ही बगे रह रहे हैं, जितना भी बर्तन सब हैं वो इधर उधर हैं। पता नहीं जब गए दोस्त लोग यहाँ से गए तब शायद लोग का माइंड में आया नहीं था कि इतना दिन रुकना पड़ेगा, तो लोग ज़्यादा अच्छे से शायद रखे नहीं थे। अब ये देखिए क्या क्या है, थोड़ा देखते नज़दीक जाके, बिस्किट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, ये भगवान। क्या रे दोस्त, क्या कर दिए मेरे दोस्तों ये सब, इसको तो उठा के ले जाते अपने घर। कौन सा है, ई टाइम अनमोल, अच्छा ये बिस्कुट यूज करता है। उफ, देख के बड़ा अफसोस लग रहा है। और कुछ देखते हैं, और कुछ तो ये क्या है, ये तो हमको लगता है गुड़ लग रहा है, ये तो ख़राब हो गए हैं पूरा। क्या क्या रखा था ये लोग यार, ओह पता नहीं, झांक के तो देखना उखना है नहीं मुझे। ओहो मुझे मिल गया कच्चा मैंगो। कच्चा मैंगो तो मैं खाने वाला भी हूँ नहीं, पता है इतने दिन से हैं तो शायद ख़राब हो गए होंगे, मैं इसे खाऊँगा नहीं। अब फिर आगे देखते हैं कि और क्या मिलता है। ये पूजा वाला सामान है, यहाँ के जितने भी दोस्त लोग हैं बड़े धार्मिक हैं और भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। ये सब कुछ सब अभी तो दिख नहीं रहा है, इस रूम में लाइट वगैरह है नहीं, इसकी वजह से आप लोग को कुछ अच्छे से क्लियर से दिख नहीं रहा है। और मैं अपना फ्लैश लाइट ऑन कर दिया हूँ। फिटनेस के प्रति इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है इन लोगों का, मैं डंबल वगैरह इतना अच्छा से सजा के रखे हैं। ओहो बॉडी शॉडी तो बड़ा मस्त बनाए होंगे, क्या देखने में तो अभी कुछ हमको ही दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा से, थोड़ा देखने से। अब उसके बाद हम अदर तरफ जाते हैं, यहाँ तो सब सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे सबसे पहले ये जो चावल दिख रहा है, ये चावल को सबसे पहले समेटना होगा, आराम से करके झोला में डाल देंगे। हाँ ये झोला में ही इसमें इसको रखेंगे तो बेटर रहेगा। इससे पहले थोड़ा सा हम जाते हैं और एक रूम है बगल रूम में जाके देखते हैं। वैसे मुझे यहाँ से बुक और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि मैं आपको आप लोगों को पिछला वीडियो में सब बता भी दिया था। ओ ये बुक तो लेके नहीं जाना है, ये सब तो ABC मॉडर्न फिजिक्स, ये बुक को एक लेके जाना है। और ये तो फिक्स है, ये पंखा तो पूरी तरह से फिक्स है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद इधर ये कौन सा LED बल्ब, ये तो पूरे ख़राब हो चुके हैं, इनका तो अभी रिपेयरिंग करने से फिर ये बन सकते हैं। बुक वगैरह यहाँ पे और कुछ तो है नहीं इतने खास, लेकिन हाँ जितने भी दोस्त लोग हैं अपने रूटीन को रेगुलर फॉलो करते थे, क्योंकि उनका जो यहाँ पे बगल बगल में देख रहे हैं चार्ट सब बना दिए हैं बड़ा अच्छा से। ये तेल वगैरह ही देखिए जो बगल बगल में चिपका दिए हैं, रूटीन सुबह क्या करना है उठना है खाना पीना है। और मुझे बड़ा एक अच्छा चीज़ नज़र आया, ये देखिए ये कपड़े भी सोच रहे होंगे कब मेरा मालिक आएंगे, कब मैं उनके बदन में होऊंगा। अभी तक ये भी नहाए नहीं होंगे, एक जगह रह रह के ये भी बहुत बोर हो रहे होंगे। मेरे दोस्तों बता देते मैं ये सब भी ले के चला जाता, बट अभी सब लेके नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा चलिए सबसे पहले मैं इनको समेटता हूँ, चावल सबको उठा देता हूँ, अभी ये सब उठाना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात समझ, अगर रूम को मैं इसी तरह से साफ ना भी करूँ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जितने भी चावल बिखरे पड़े हैं उनको तो समेटना होगा। और ये अभी यूजलेस हो चुके हैं, ये काम आएंगे नहीं। ये जो चावल थे ये पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि जो किचन रूम का जो विंडो है वो बंद नहीं किया गया है, बंद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पानी की कुछ बूंदें यहाँ पे आ गई है और ये पूरी तरह से इनको इस चावल को पूरी तरह से ख़राब कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबों का रूम
इससे अच्छा ही होगा, इस तरह की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी नहीं हैं। तो ठीक मेरे डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊंगा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में एकदम मस्त ऐप से। तो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम मस्त ऐप से।